हाँ जी साहब ले आओ भाई एक ये बैनर थोड़ा ऊपर करो विवेक बैनर ऊपर करो थोड़ा सर किस तरह बयां करेंगे अपना कोमल वेल्स ऑपरेशन कितना अच्छा रहा आपका कोमल वेल्स गेम में ये कांस्य पदक जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और देश के लिए ये मेडल जीता है तो बहुत ज़्यादा खुशी है और आने वाले एशियाड खेलों और पेरिस ओलंपिक इससे भी अच्छा करने के लिए देश के लिए पूरा जोर लगा दूँ फाइनल से पहले क्या चल रहा था आपके दिमाग में क्या प्रेशर फील हो रहा था या उस साथ क्या सोच रहे थे आप जब फाइनल का प्रेशर तो थोड़ा सा तो होता है लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि जो काम हमने ट्रेनिंग में किया है जो प्रैक्टिस में किया है हमने उसी को ही रिपीट करना है क्योंकि हम अपना जो दिन और रात अभ्यास करते हैं एक उसी अभ्यास को उसी दिन हमने प्रूफ करना होता है तो उससे बेटर अगर हम जिस दिन कर देते हैं तो हर प्लेयर ने अपना बेटर किया तो उनका मेडल आ गया तो प्रेशर थोड़ा सा होता है कि हम डेली जो ट्रेनिंग करते हैं उसी रूटीन के हिसाब से आज भी और बेटर हो तो जिस प्लेयर का जिस टाइम पे बेटर हो जाता है तो मेडल फिर पक्का है स्टार्टिंग से कौन रोल मॉडल रहा है हम देखते हैं ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा लोग खेलते नहीं कंट्री में आपको रोल मॉडल कौन रहा था स्टार्टिंग से कि आप मैं 2006 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ एक नॉर्मल लिखित और फिजिकल परीक्षा से जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली सोल्ड वी बटालियन उसके बाद में मैं वहाँ पर सेना की पूरी ट्रेनिंग है पूरी की उसके बाद वहाँ पे एक सीताराम सिंह जी ऋषि रेस वाक के कोच मिले थे उन्होंने मुझे इस रेस वाक के लिए प्रेरित किया और वहाँ से मैंने शुरुआत की तो मैंने तमाम सेना के मेडल जीते हैं रिकॉर्ड बनाए हैं और तीनों सेनाओं के देश के रिकॉर्ड बनाए हैं 20-50 किलोमीटर 10 किलोमीटर और ओलंपिक्स और एशियाड खेलों में मैंने सब में हिस्सा लिया है 2-2, 3-3 बार और ये मेरा मेडल आया है इससे खुश हूँ और आने वाले और खेलों में और भी बढ़िया करूँगा ये है कि देश के लिए मेडल आया है थोड़ा सा सेलिब्रेट जैसे जूनियर्स प्लेयर को सबको ये बताएं कि कैसे तैयारी करनी है आगे मेडल जीतने के लिए जो अपना एक्सपीरियंस है उसको जूनियर प्लेयर के साथ में भी करेंगे और अपने गांव डिस्ट्रिक्ट स्टेट उसमें जाके थोड़ा जो खुशी है उसको उस खुशी में हम भी शामिल हैं क्योंकि उनके से आशीर्वाद सम्मान सहयोग साथ से हमारा ये मेडल आया सबके साथ सबके हेल्प से और सबके दुआओं से ये मेडल हमारा आया हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं ये मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये मैं मेडल है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है मेरी उन्होंने काफ़ी शुरू से हेल्प किया तो ये मेरा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके नाम पे है जी करना चाहता हूँ थैंक यू सर मेडल चौसी सड़क पीछे दीपक नेहरा रह रहा है भाई जी अंदर